अगली है जिसे मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, किरांदोल डिपॉजिट 14 MZ आयरन ओर माइन छत्तीसगढ़, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इसे ऑपरेट करता है, इसे संचालित करता है, किरांदोल डिपॉजिट 14 MZ आयरन ओर माइन छत्तीसगढ़ की टीम, उन्हें यहां पर 5-स्टार रेटिंग का सम्मान मंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। और अगला नाम भी, जो अगला अवार्ड है वो भी ये टीम यहाँ पर जो मंच पर मौजूद है, किरांदोल डिपॉजिट 14 NMZ आयरन ओर माइन छत्तीसगढ़ मिनरल नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम, उसे तालियों की आवाज आपकी जरा जोश के साथ ऊर्जा के साथ आनी चाहिए। ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है जो आज माननीय मंत्री महोदय अपने कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम जो इन दो माइंस को ऑपरेट करती है, उन्हें यह सम्मान यहाँ पर मंत्री महोदय ने प्रदान किया है। कोडिंगा माली आयरन और माइन ओडिशा की टीम को आमंत्रित करता हूँ। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इस माइन को ऑपरेट करती है, वो टीम यहाँ मंच पर माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर आ चुकी है। दिव्य सज्जनों, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को अपनाने का एक उद्देश्य इस माइन का हमेशा से रहा है, और इस वजह से अपने माइनिंग के जो उद्देश्य है, लक्ष्य, उसके साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण को भी इन्होंने सुनिश्चित किया है, और स्थानीय समुदायों को बहुत सारे गतिविधियों में, बहुत सारे क्षेत्रों में उसका सहयोग किया है। कोडिंगा माली आयरन और माइन ओडिशा की टीम। और अब गुजरात से कोवाया लाइमस्टोन माइन गुजरात अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की टीम, 5 साल इन्हें भी 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, इसलिए इस सम्मान को इसमें और भी ऊर्जा आनी चाहिए। आपकी तालियों के साथ इस टीम का आइए अभिनंदन करें। कोवाया लाइमस्टोन माइन गुजरात अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की टीम, और ये मंत्री महोदय के कर कमलों से 5-स्टार रेटिंग का ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं कोवाया लाइमस्टोन माइन गुजरात। और मानिकगढ़ सीमेंट लाइमस्टोन माइन महाराष्ट्र, उसे भी ये सम्मान आज मिला है। महाराष्ट्र से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की टीम जो है वो ये सम्मान प्राप्त करेगी। मानिकगढ़ सीमेंट लाइमस्टोन माइन महाराष्ट्र की टीम मंच पर है। देवी सज्जनों, इस माइन ने भी अपने माइनिंग सेक्टर में बहुत सारे कीर्तिमान और बहुत सारे बेंचमार्क स्थापित किए और उनको फॉलो किया है, और उन्हें ये सम्मान यहाँ पर मिला है। जिन्हें अवार्ड मिल चुका है वो प्लीज बैठते जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, खड़े ना हो, और जिन्हें सम्मान मंच पर दिया जा रहा है उनके लिए आपका प्रोत्साहन तालियों के रूप में जरूर आते रहने चाहिए। बहुत बहुत बधाई इन सभी को। और अगला नाम झारखंड से, देवी सज्जनों, जिस टीम को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उन्हें भी 5-स्टार रेटिंग का ये सम्मान मंत्री महोदय के कमलों से मिलेगा। मेगा हाथोबुरु आयरन और माइन झारखंड की टीम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की टीम, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इस माइन को ऑपरेट करती है, और मेघा हाथुबुरु आयरन और माइन झारखंड की टीम, जिन्होंने माइनिंग के साथ साथ अपने CSR एक्टिविटीज में भी बहुत सारे उल्लेखनीय प्रयास हमेशा किए हैं, और उसके लिए भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और अब अगला नाम जो सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा वो तमिलनाडु से है। आप सभी बैठते जाएंगे, बीच में कोई खड़ा ना हो, फोटोग्राफ सबको बाद में मिलेंगे, इसलिए प्लीज आप सभी बैठे। तमिलनाडु से मेला वेंकटेश्वरपुरम लाइमस्टोन माइन तमिलनाडु रामको सीमेंट्स लिमिटेड की टीम मंच पर है, उनके लिए भी आपकी तालियों की आवाज जरूर मंच तक आनी चाहिए। इन्होंने बड़े सारे अनूठे प्रयास अपने CSR एक्टिविटीज में किए हैं, इको पार्क बनाया है, अपने जो पिट्स हैं, ग्रीन स्पेसेस हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे पिट्स बनाए हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं जो वेस्ट होता है उसको, और 4 लाख से भी ज्यादा प्लांट्स जो है उन्होंने लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। तो इस तरह के बहुत ही अनूठे और महत्वपूर्ण प्रयास इन्होंने किए, मेरा वेंकटेश्वरपुरम लाइमस्टोन माइन तमिलनाडु की टीम, बहुत बहुत बधाई इन्हें। अगला नाम जो है वो छत्तीसगढ़ से, देवी सज्जनों, मेहता बॉडेली आयरन और माइन छत्तीसगढ़ जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, और इन्हें भी आपकी तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय सम्मानित करेंगे इस मंच पर
फाइव स्टार रेटेड माइन के रूप में इनका भी सम्मान यहाँ पर हो रहा है। मेहता बोडेली आयरन और माइन छत्तीसगढ़ की टीम मंच पर विराजमान। अगली माइन गुजरात से मेवासा वन बॉक्साइट माइन गुजरात की टीम को आमंत्रित करता हूं। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इसे ऑपरेट करता है, इस माइन की टीम जो है मंच पर है मंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करने के लिए। जीरो वेस्ट माइनिंग, इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे प्रयास ये लगातार करते रहते हैं। और जो फल वाले, जो फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने वहाँ लगाए हैं, चाहे उसमें मैंगो हो, कोकोनट है, इस तरह के प्लांटेशन भी बड़े संख्या में वहाँ पर गुजरात में अपने माइन के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में इन्होंने किया है। मेवासा वन बॉक्साइट माइन गुजरात की टीम, बहुत बहुत बधाई। राजस्थान की टीम है, अगली माइन है बोरा क्लाइमस्टोन माइन राजस्थान, मंगलम सीमेंट लिमिटेड की टीम जो इसे ऑपरेट करती है। मंगलम सीमेंट लिमिटेड बोरा क्लाइमस्टोन माइन राजस्थान की टीम मंच पर है जो सम्मान प्राप्त करने जा रही है इस समय मंत्री महोदय के कर कमलों से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो गोल्स हैं उनको हासिल करने में, इसके साथ साथ CSR इनिशिएटिव्स जो स्थानीय स्तर पर इन्होंने लिए हैं उसमें इकोलॉजिकल प्रोडक्शन भी है, उसमें स्थानीय समुदायों का सहयोग और उन्हें हर तरह का समर्थन देने का प्रयास भी लगातार ये माइन और वहाँ का स्टाफ और वहाँ का मैनेजमेंट करता रहा है। और देव्य सज्जनों, बोरक के बाद अगला नाम महाराष्ट्र से मुकुटबन लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइन महाराष्ट्र, RCCPL प्राइवेट लिमिटेड की टीम, उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान प्राप्त करने के लिए माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए अपने जो बिजनेस गोल्स है वो तो हासिल करते ही है, लेकिन CSRF की जो इनिशिएटिव्स है उसके अंतर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर भी लगातार कोशिशें जो है मुकुटबन लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइन महाराष्ट्र की मैनेजमेंट करती है और स्थानीय स्तर पर लोगों का इसको बहुत लाभ भी मिलता है। तो इस बात के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है मुकुटबन लाइमस्टोन डोलोमाइट माइन महाराष्ट्र की टीम को। तेलंगाना से अगला नाम है माइन का माई होम लाइमस्टोन माइन तेलंगाना, माई होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो इसे ऑपरेट करती है, वो टीम मंच पर माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करने के लिए आ चुकी है। और इसे भी माई होम लाइमस्टोन माइन का भी 5 बार 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, ये किसी के लिए भी बड़े फख्र की, बड़े गौरव की बात हो सकती है। इन्हें भी माई होम लाइमस्टोन माइन तेलंगाना को 5 बार भी मिल चुका है पहले और ये सम्मान मंत्री महोदय के कर कमलों से मिला उन्हें। अगली टीम जो है वो गुजरात से अगली माइन है नाना गुड़ियासर बॉक्साइट माइन गुजरात की टीम को आमंत्रित करता हूँ। नाना गुड़ियासर बॉक्साइट माइन गुजरात की टीम कृपया मंच पर आकर मंत्री महोदय के कर कमलों से 5 स्टार रेटेड माइंस का सम्मान प्राप्त करेंगे। गुजरात ये गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इसे ऑपरेट करता है उसकी टीम है जो मंच पर है। स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारी इन्होंने प्रयास किए, कोशिशें की, मोबाइल फैसिलिटी के साथ एक क्लिनिक भी उन्होंने वहां पर उपलब्ध करवाया स्थानीय स्तर पर और इको फ्रेंडली माइनिंग को सुनिश्चित करने का भी प्रयास सदैव किया है। बहुत बहुत बधाई नाना गुड़ियासर बॉक्साइट माइन की टीम को। महाराष्ट्र से नोवाखड़े लाइमस्टोन माइन महाराष्ट्र अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की टीम को आमंत्रित करता हूं मंच पर यह सम्मान प्राप्त करने के लिए। आपको जानकर यह खुशी होगी 5 बार से भी अधिक इन्हें भी 5 स्टार रेटेड माइंस का सम्मान मिल चुका है। और खास बात एक और भी है कि 2 लाख से भी अधिक प्लांट्स इन्होंने लगाए हैं, प्लांटेशन किया है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी, इस तरह की बहुत सारी कोशिशें नोवाखड़ी लाइमस्टोन माइन महाराष्ट्र की टीम जो है, मैनेजमेंट जो है, वो लगातार करता है जिसका लाभ देश को मिल रहा है, समाज को मिल रहा है, स्थानीय लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। अगला नाम गुजरात से नर्मदा सीमेंट लाइमस्टोन माइन गुजरात अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की टीम है जो मंच पर 5 स्टार रेटेड माइंस का सम्मान प्राप्त कर रही है मंत्री महोदय के कर कमलों से। और आपको बता दें कि जीरो वेस्ट माइनिंग यूटिलाइजिंग मार्ल मिनरल फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। इसके अलावा लोकल लेवल पर लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए भी लगातार प्रयास करते हैं। स्थानीय स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोशिशें भी इनकी लगातार होती रहती है। तो ये सारे प्रयास के लिए नर्मदा सीमेंट लाइमस्टोन माइन गुजरात को बधाई। अगला नाम आंध्र प्रदेश से नवाबपेट
Talamanchipatanam limestone mine on the Pradesh team. Dalmia Cement Limited. Dalmia Cement Bharat Limited ki team manch par hai. और उन्हें मंत्री महोदय अपने कर कमलों से सम्मानित कर रहे हैं। लगभग 36 हेक्टेयर क्षेत्र में जो इनके क्षेत्र है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पेट बैम्बू प्लांटेशन इस तरह की बहुत सारी कोशिशें साथ साथ करते रहे अपने सीएसआर एक्टिविटीज में पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ साथ स्थानीय समुदायों के विकास के लिए भी लगातार प्रयास ये करते रहे। और अगला नाम झारखंड से नोआमुंडी आयरन ओर माइन झारखंड की टीम को इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा। और अगले जो माइन की टीम आ रही है उन्हें भी 5 बार से भी ज्यादा 5 स्टार रेटेड माइंस का सम्मान मिल चुका है। नोआमुंडी आयरन ओर माइन झारखंड टाटा स्टील लिमिटेड की टीम यहां मंच पर है आपके सामने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांटेशन विद मियावाकी टेक्निक जो कि आजकल बहुत लोकप्रिय है उस टेक्निक से प्लांटेशन का बहुत महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने अपने एरिया में किया है। इसके अलावा और भी तरह की और सोलर पावर प्लांट भी उन्होंने लगाया अपने हिल टॉप पर ताकि उसका लाभ जो है पर्यावरण को भी मिले और उन्हें भी मिले। अगला नाम मेघालय से नोंगाथराई लाइमस्टोन माइन मेघालय लफाच उमियाम माइनिंग कंपनी लिमिटेड की टीम मंच पर आएगी जो इस माइन को ऑपरेट करती है। मेघालय की टीम है आपके सामने नोंगाथराई लाइमस्टोन माइन मेघालय। इस माइन में भी स्थानीय स्तर पर लोगों की सेहत के लिए उनके एजुकेशन के लिए उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए या सिंचाई की सुविधाओं के लिए खेती में और तमाम तरह की सुविधाएं मिल सके इसके लिए भी सीएसआर एक्टिविटीज में लगातार प्रयास करते हैं। नोंगाथराई लाइमस्टोन माइन में घाले की टीम को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। और अगली माइन ओडिशा से पंचपटमणि साउथ ब्लॉक बॉक्साइट माइन ओडिशा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो इसे ऑपरेट करती है उसकी टीम मंच पर आ रही है। माननीय मंत्री महोदय के कर्तव्यों से उन्हें भी यह सम्मान यहां पर प्राप्त होगा। आपकी कर्तव्य धन के साथ पंचपटमणि साउथ ब्लॉक बॉक्साइट माइन ओडिशा की टीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर इनकी कोशिशें बहुत सराहनीय रही हैं। लगातार इस तरह के प्रयास वो करते रहे हैं और उसका लाभ जो है समाज को देश को और स्थानीय लोगों को भी मिलता है। और इसके बाद आमंत्रित करूंगा छत्तीसगढ़ से पारसवाणी लाइम स्टॉल माइन छत्तीसगढ़ अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड जो कंपनी है जो इसे ऑपरेट करती है इस माइन की मैनेजमेंट की टीम को आमंत्रित करता हूं। पारसवाणी लाइम स्टॉल माइन छत्तीसगढ़ की टीम आपके सामने है। ये भी अपने स्थानीय माइनिंग एरिया में पानी के संरक्षण के लिए प्लांटेशन के लिए और लो ग्रेड लाइम स्टोन को यूटिलाइज करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें अपने सीएसआर एक्टिविटीज में करते रहते हैं। पारसवाणी लाइम स्टोन माइन छत्तीसगढ़ की टीम इस समय मंच पर सम्मानित हो रही है। और अगली माइन जो है अगली खदान तमिलनाडु से पेरिया त्रिकोणम लाइम स्टोन माइन तमिलनाडु इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की टीम जो इसे ऑपरेट करती है। पेरिया थिरुकोणम लाइमस्टोन माइन तमिलनाडु की टीम सम्मान प्राप्त कर रही है मंच पर। और आपको ये बता दें कि इनका एक प्रयास हमेशा रहता है कि जीरो वेस्ट पर अधिक से अधिक फोकस किया जाए और जो मिनरल कंजर्वेशन है उसको मैक्सिमम जो है बढ़ाया जाए इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाए और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के तमाम कोशिशें हैं जो मेथड्स हैं उसे ज़रूर अपनाया जाए। इस तरह के प्रयास पेरिया थिरुकोणम लाइमस्टोन माइन तमिलनाडु की टीम लगातार करती है। बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए। अगला नाम अगली माइन गुजरात से राष्ट्रवाड़ा मॉरिस